तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, बहुत सारे लोग का जो है जब भी उनको सऊदी आना होता है तो वो क्या करते हैं कि जाते हैं फटाफट मेडिकल करवाते हैं और ऑफिस में अपना पासपोर्ट वगैरह जमा कर देते हैं, और जब भी मेडिकल करवाते हैं तो उनका टाइम रहता है 3 महीने का, और जब पासपोर्ट जब मेडिकल एक्सपायर हो जाता है तो ऑफिस वाला बोलता है आपका वीज़ा तो लग ही नहीं पाया है। तो इन सभी टॉपिक पे आज बात करेंगे और हम बताएंगे कि वीज़ा क्यों नहीं लगता है, और दूसरी बात कि पासपोर्ट ECNR और ECR में क्या फ़र्क होता है। ECNR अगर पासपोर्ट है तो कैसे स्टंप होता है, और अगर ECR है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, क्यों नहीं स्टंप होता है, इस सब चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं नमन जलालपुर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग नए हैं हमारे चैनल पर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें दोस्तों को, ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ के बारे में पता चले। तो दोस्तों चलिए वीडियो को। तो दोस्तों हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं जो आना तो चाहते हैं सऊदी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सऊदी आने से पहले जल्दबाजी कर देते हैं, और उनको ये पहली बार सऊदी आते हैं तो उनका जब कोई दोस्त यार वगैरह इधर उधर कोई रहता नहीं, या फिर रहता है तो उसको जानकारी नहीं रहती, तो ये जो है समझ नहीं पाते कि हमको सऊदी जाना है लेकिन किस बेसिस पे जाना है, किस हिसाब से जाना है, कैसे जाना है और क्या क्या नियम है उस जाने के लिए। तो समझ नहीं पाते तो उससे ये होता है कि वो फंस जाते हैं, और ऑफिस वाले कुछ ऑफिस वाले ऐसे हैं जो इतना फ्रॉड करते हैं भाई साहब, इतना फ्रॉड करते हैं, क्या ज़रूरत है फ्रॉड करने की, मेरे यही नहीं समझ में आ रहा है इतना ज़्यादा फ्रॉड करने की क्या ज़रूरत है। बेचारों को जो है फंसा देते हैं, फंसाने के बाद पैसा भी नुकसान करवा देते हैं, और ऑफिस वाले ये नहीं समझते कि इतना मेहनत से लोग पैसा इकट्ठा करते हैं सऊदी दुबई जाने के लिए, अगर इंडिया में ही उनको काम मिलता, अच्छे से कमाई होती तो क्या ज़रूरत है उनको विदेश जाने के लिए। लेकिन ऑफिस वाले इन सब चीज़ों को नहीं समझते, वो उनको तो सिर्फ पैसे से मतलब होता है, वो किसी न किसी तरह फंसा देते हैं लोगों को और उनसे पैसा जो है ले लेते हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब भी प्लान बनाए सऊदी आने के लिए, दुबई जाने के लिए, कुवैत कतर जाने के लिए, तो पहले तो आप ये समझ लें कि उसका पूरा प्रोसेस क्या है, उसका पैसा कितना लगता है। पैसा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आदमी आ जाए सीधे सीधे तो ठीक है, लेकिन ऑफिस वाले जो है फंसा देते हैं और भेजते भी नहीं। तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको सऊदी आने के लिए पहला कदम क्या उठाना होता है, कैसे आपको जो है ये पता चलेगा कि ऑफिस वाला हमारे साथ फ्रॉड नहीं कर रहा है। तो पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हम ये आपसे कहेंगे, हिदायत भी देंगे उसको, चाहे आप हिदायत समझिए, चाहे जानकारी समझिए, चाहे आपको जो है एक तरीका बता रहे हैं कि आप फंसे ना। जब भी आप किसी ऑफिस के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, तो पहले उस ऑफिस के बारे में जान लीजिए, समझ लीजिए। जब आप उसके बारे में अच्छे तरीके से जान लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले तो उसका बैकग्राउंड आप पता करिए कि कितना पुराना ऑफिस है, इससे कोई फ्रॉड वगैरह हुआ तो नहीं है। क्योंकि आजकल क्या करते हैं ऑफिस वाले कि सऊदी भेजने के नाम पर उनके पास नया का वीज़ा तो निकल नहीं रहा है, बहुत ही मुश्किल से नया का वीज़ा मिल रहा है, नए ड्राइवर का या नया वर्कर का। जो भी वीज़ा निकल रहा है सब पुराने का निकल रहा है, रिटर्न का निकल रहा है। तो जब भी कोई पहली बार आना चाहते, फंसते वही लोग हैं जिसको पहली बार जाना है सऊदी, तो वो लोग क्या करते हैं कि सऊदी आने जाने के लिए ऑफिस में जाते हैं, संपर्क करने के बाद सीधे बोलते हैं कि हमको सऊदी दुबई जाना है, हमारा जो है मेडिकल करवा दो और भेज दो। तो दोस्तों उससे काम नहीं चलता कि आप सीधे जाओ और मेडिकल उससे बोलो और वो तुरंत बोलेगा कि मेडिकल करवा लो फटाफट, ये हो जाएगा। तो दोस्तों उसमें ही प्रॉब्लम होता है,
पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो बीजा है वो है एक्चुअली में है भी कि नहीं है, तो उससे आप बीजा नंबर वगैरह मांगिए और पता करिए कि कहाँ का है। जिस कंपनी, अगर कंपनी में जाना चाहते हैं तो उस कंपनी का नाम पूछिए, गूगल पे सर्च करिए वो एक्चुअली में कंपनी है कि नहीं है, कैसी है, क्या है, पता करिए। जब आपको पूरा यकीन हो जाए तब जाके आप मेडिकल करवाइए। और अगर ड्राइविंग के बीजा पे आना चाहते हैं तो ड्राइविंग के बारे में उससे पता करिए कि हाँ क्या है, कैसे है, और साइड में भी पता करिए कि हाँ हम फला जगह जा रहे हैं, पता करिए कि हाँ वहाँ कोई दोस्त या किसी का अगर रहता है, या कहीं से भी ऑनलाइन सर्च कीजिए, फेसबुक वगैरह। अब तो दुनिया भर का सिस्टम चल गया है, हर एक चीज़ सोशल मीडिया हो गया है, आप कहीं से भी पता कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ही सोच समझ करके तब जाके मेडिकल करवाइए, नहीं तो मेडिकल करवाने में 5500 रुपये लगता है, ठीक है, यानी मान के चलिए 6,065 रुपये आपका खर्च होना ही होना है मेडिकल के पीरियड में, अगर आप मेडिकल करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑफिस वालों को तो कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ऑफिस वाले उसमें गेम ये खेलते हैं कि वो सोचते हैं कि हम मेडिकल करवा के रखे रहेंगे, कोई वीजा मिलेगा तो उसको स्टम्प करके हम भेज देंगे। ऐसा पहले होता था, अभी मुश्किल हो गया है। अभी जिस जो आप मेडिकल करवाएंगे उस पर वीजा नंबर वगैरह सब कुछ लिखा जाएगा, तो जब वीजा स्टम्प के लिए जाता है तो वही चीज़ एक्चुअल चीज़ रहेगा, तभी वीजा स्टम्प होता है, नहीं तो नहीं होता। और कभी कभी कुछ ऑफिस वाले करवा भी देते हैं, और जो नहीं करवा पाते, बहुत लोगों का हुआ है कि मेडिकल करवाए 4 महीने हो गए, 3 महीने का ही वैलिडिटी होता है मेडिकल का, तो 4 महीने हो गए बोल रहे हैं कि हमारा मेडिकल एक्सपायर हो गया है। तो भाई मेडिकल जब भी आपका होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन लगता है वीजा स्टम्प होने में, इससे ज़्यादा का समय नहीं लगता। अगर इससे ज़्यादा का समय लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने लगना चाहिए, इससे ज़्यादा तो लगना ही नहीं चाहिए। अगर उससे ज़्यादा कोई ऑफिस वाला आनाकानी कर रहा है, बोल रहा है कि सऊदी में काम स्लो हो रहा है, ये सब कुछ नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो बोल रहा है कि सऊदी में काम स्लो हो रहा है, ये सब कुछ भी नहीं है, हर काम हर जगह वही स्थिति में हो रहा है जैसे पहले होता था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे सऊदी में, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो मेरे कहने का मतलब, ऑफिस वालों को भी शर्म नहीं आती कि बेचारे अगर इतना मुसीबत झेल करके 5,000, 5,500, 6,000 रुपये इकट्ठा करके किसी तरह मेडिकल करवाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है, तो ऑफिस वालों का क्या, उनके जेब से तो जा नहीं रहा है, वो तो जा रहा है बेचारे जो मेडिकल करवाए हैं उन लोगों के जेब से। तो ऑफिस वालों से रिक्वेस्ट हमारी यही है कि भाई ऐसा काम ना करो कि जिससे तुम्हारा क्रेडिट ख़राब हो। पता नहीं कैसे लोग करते भी हैं, मेरे यही नहीं समझ में आता है, ज़रूरत क्या है करने की। हालांकि कुछ लोगों का धंधा भी यही है, पैसा यही है कि उल्टा सीधा करके किसी तरह पैसा कमाए बस। तो ये हो गई कि आपका जो है पासपोर्ट में वीजा स्टम्प क्यों नहीं होता जल्दी से। और दूसरी बात करते हैं कि आपका पासपोर्ट ECNR है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। और आपको जो है आपका जो पासपोर्ट है अगर ECNR है तो उस पर कैसे वीजा स्टम्प होगा, अगर ECNR है तो उस पर कैसे, कितना टाइम लगता है वीजा स्टम्प होने में। सबसे पहली बात तो ये है कि आप सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सा मैं बताऊंगा प्रोसेस है, आप पासपोर्ट का बैक साइड खोलेंगे जब, तो उस पर जो पासपोर्ट ECR रहेगा उस पर सीधा सीधा लिखा रहेगा कि इमिग्रेशन रिक्वायर्ड, उस पर सीधा लिखा रहेगा इमिग्रेशन रिक्वायर्ड। तो और जो पासपोर्ट ECNR रहेगा उस पर लिखा ही नहीं रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको नहीं पता है कि हमारा पासपोर्ट ECNR है कि ECR है, तो सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत लोगों को नहीं पता है, बाकी 90% लोगों को पता ही रहता है, लेकिन जो पासपोर्ट ECNR और ECR में यही फ़र्क होता है कि उसमें पहला तो स्टार्टिंग में ही आप समझ जाइए कि अगर आपको पासपोर्ट बनवाते समय आपने अगर उसमें हाई स्कूल की मार्कशीट लगाई है तो आपका पासपोर्ट ECNR हो गया, अगर नहीं लगाई है तो आपको आपका पासपोर्ट जो है ECR रहेगा, उसके लिए आपको इमिग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, हालांकि इमिग्रेशन हो नहीं रहा है। अगर आप कोई बोल रहा है ऑफिस वाला कि हम इमिग्रेशन करवाएंगे तो वो फर्जी बोल रहा है, इतना मामूली नहीं है इमिग्रेशन होना। तो आप सीधी सी एक हम बता दिए हैं, उससे आप खुद अपना पासपोर्ट जब खोलेंगे तो लास्ट पेज में जाएंगे, उस पर सीधा सीधा ऊपर लिखा रहेगा कि इमिग्रेशन रिक्वायर्ड। अगर
ECNR होगा तो उस पर वो चीज़ नहीं लिखा रहेगा, तो इससे आप समझ जाइए। अब होता क्या है कि ऑफिस वाले क्या करते हैं कि जो ECNR पासपोर्ट होता है, अच्छा आप लोग एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि जो ECNR है उनका डिमांड क्यों है और जो ECR है उनको जो है क्यों कंपनी नहीं लेती, बहुत कम ले रही है। तो कंपनी का भी एक अपना वसूल होता है, यहाँ भी लोग जानते हैं समझते हैं, और यहाँ की कंट्री में भी अब जो है क्या हो गया है कि जो पढ़े लिखे आदमी है, जो पढ़े लिखे आदमी रहेंगे वही हाई स्कूल पास रहेंगे, जो हाई स्कूल पास रहेंगे उनको हल्का फुल्का इंग्लिश तो आती ही है। तो अभी गवर्नमेंट ने, जो मोदी गवर्नमेंट है, उसने ये लागू किया था कि जितने भी लोग हैं जिनको थोड़ा भी इंग्लिश आती है उन्हीं वो, यानी जो हाई स्कूल सीधा सीधा सिंपल सा उन्होंने प्रोसेस बनाया कि जो हाई स्कूल पास है वही विदेश जा सकते हैं। क्योंकि क्या होता था पहले कि बहुत लोग आते थे यहाँ पे, फंस जाते थे और उनको कफिल जो है सैलरी नहीं देता था, कोई प्रॉब्लम होता था तो वो कुछ कर नहीं पाते थे, या इसी वजह से जो है यहाँ पे लागू कर दिया है कि जितने भी लोग हाई स्कूल, कम से कम तो हाई स्कूल पास होना ही चाहिए जो भी यहाँ आए, तो इस वजह से ECNR और ECR में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, उसको भी ये चाहिए कि जो हमारा ड्राइवर रहे या हमारा जो वर्कर रहे थोड़ा पढ़ा लिखा हो, क्योंकि कोई भी काम करना करेगा तो उसमें हल्का फुल्का नॉलेज तो चाहिए ही, लिखा मतलब क्या लिखा है इंग्लिश में क्या है ये सब कुछ तो उसको जानकारी होना ही चाहिए। अनपढ़ रहेगा तो वही सफाई करेगा सफाई वाले में, और जो क्लीनर होते हैं हेल्पर होते हैं उसी में ECR पासपोर्ट चलता है, बाकी ड्राइविंग वगैरह में ECNR ही चलता है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका अगर पासपोर्ट ECR है तो पहले आप इमिग्रेशन करवाइए, अगर होता है तो, नहीं होता है तो उम्मीद मत रखिए यहाँ आने की, क्योंकि आप यहाँ आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20,000 सैलरी मिलेगी, तो इससे अच्छा है कि आप इंडिया में ही रह के कमा लें। यहाँ आने के बाद आप फंस भी जाएंगे, आपको फिर यहाँ फंसने के बाद कोई विकल्प नहीं है आप कि कैसे क्या करेंगे। तो लास्ट में एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि जब भी आप पासपोर्ट बनवाने जाएँ तो सबसे पहले ये देख लें कि हमारा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है कि नहीं, मार्कशीट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप वेट करिए, पहले 9th में नाम कहीं लिखा करके एग्जाम करके किसी तरह हाई स्कूल की मार्कशीट तमाम जुगाड़ है, आप लोग इंडियन हो समझ ही सकते हो किस तरह आपको मार्कशीट की व्यवस्था करना है, व्यवस्था करके हर हाल में आप मार्कशीट लगवाइए पासपोर्ट में, आप भविष्य के लिए आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो अच्छा, जो ECR पासपोर्ट पे यहाँ आ जाते हैं वो 3 साल रुकते हैं, जब 3 साल बाद ऑटोमेटिक उनका इमिग्रेशन हो ही जाता है। लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम है यहाँ आए तब ना, यहाँ आने पे ही तो मुश्किल है भाई, तो ये प्रॉब्लम है। तो आप लोगों से खास करके रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पासपोर्ट बनवाएं तो सबसे पहले तो हाई स्कूल की मार्कशीट लगवा करके ही बनवाएं, नहीं तो फिर आप विदेश जाने का, सऊदी दुबई कुवैत कतर जाने का दिमाग से ख्याल निकाल दें, नहीं तो आप कोई फ़ायदा नहीं आपका पासपोर्ट बनवाने में, फिर आप वही होगा कि आपको ड्राइविंग का या कोई ठीक ठाक चीज़ का जॉब नहीं मिलेगा, हेल्पर का और क्लीनर का ही जॉब मिलेगा, स्टोर कीपर या दुकान मॉल में आपको कोई काम मिल ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी जानकारी, हमने सोचा कि आपको बता दें। तो दोस्तों लास्ट में एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें या किसी से आप वीज़ा मंगाएं तो पहले उसके बारे में बढ़िया से सोच लें, समझ लें कि सामने वाला कैसा आदमी है, क्या है क्या नहीं है। और ख़ासकर ECR वाले तो बिल्कुल भी सऊदी आने के बारे में सोचे ही ना, अगर वो अपना ECNR करवाते हैं तभी आए, ना करवाएं तो ना आए, मेरी यही राय है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी की वीडियो हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी सवाल है अगर कोई भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए भी कमेंट करें, हम उसका पूरा पूरा जवाब देते हैं, देंगे भी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल अगर हमारा सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह अच्छी अच्छी बातें आपको समझने को मिलेंगी। दोस्तों यहाँ पे बहुत लोग चैनल बनाए हुए हैं, सब लोग यहाँ के बारे में यहाँ की न्यूज़ दिखाते रहते हैं, भाई न्यूज़ से हमसे क्या लेना देना, मेन टॉपिक जो है उस पर कोई बात ही नहीं करता, मेन टॉपिक यही है कि हमको आना कैसे है, रहना कैसे है, जाना कैसे है, बस बाकी दुनियादारी से हमसे क्या मतलब है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमसे क्या मतलब है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो, हम भाई जो भी बात करते हैं एकदम सीधी बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते किसी का। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मिलते हैं, टेक केयर।